अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब हम मैंने पिछली बार आपको थोड़ा टेबल सिखाया था जिसमें हम साइंस के प्रॉब्लम्स को इश्यू कर रहे थे। तो अब मैं आपको जब हमारे पास डिफरेंट साइन आते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, तो उनके आंसर में हमने कौन सा लगाना है, अब वो मैं सिखाऊंगी ताकि आपकी बेसिक जो साइंस इश्यू है वो आपके सॉल्व हो, ताकि आपके क्वेश्चन भी आसान आ साइंस से आप हल कर सकें और आपको नंबर भी मिल सके अपने पेपर्स में। चलें जी, हमारा चल नाम है मैथमेटिक्स टेस्ट। ओके, अच्छा, बिग वैल्यू स्मॉल वैल्यू साइन फॉर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये हमारा टेबल बन गया है। एक दो, तो छोटी सब नहीं बनाने, बड़ा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, जब हमारी वैल्यू बिग हो, वैल्यू प्लस हो, स्मॉल प्लस हो, उसके साथ जो साइन आएगा वो भी प्लस आएगा, और जब वैल्यू हमारी बिग हो के साथ प्लस हो और माइनस हो तो साइन हमारा माइनस आएगा, माइनस प्लस वो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ ये इसका सारा शेड्यूल क्या है। जब दो वैल्यूज मतलब दो जो वैल्यू सेम्स होंगी ना, जब मतलब प्लस की अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी, आपने याद रख लेना शॉर्टकट में कि अगर दोनों ही वैल्यूज मल्टीप्लाई और डिवीजन में दोनों वैल्यू सेम है, मगर दोनों वैल्यू प्लस है, अगर दोनों माइनस है तो हमारे जो साइन होगा दोनों के आंसर में प्लस प्लस ही आएगा, प्लस प्लस आएगा। जहाँ ऑपोजिट साइन के एक भी नेगेटिव आ गया प्लस नेगेटिव में, और एक भी नेगेटिव आ गया, एक यहाँ मतलब बिग वैल्यू में भी नेगेटिव है प्लस, मतलब ये दो ऑपोजिट ऐसे केस हैं जिसमें एक केस वैल्यू में प्लस है और दूसरे में माइनस है, तो उनके आंसर के साइन में माइनस आएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। चलिए हम अब एग्जाम्पल लेते हैं। ओके okay? मतलब जैसे कि हमारी बिग वैल्यू थी +3 और स्मॉलर वो वैल्यू थी +2, तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन मतलब जिसमें लगा मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन एक खुद ऑपरेशन है, तो जब एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब मैंने अपने ऑपरेशन के कॉलम बनाया था, इधर इसमें यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। तो +3 +2 जब आंसर आएगा, आपको पता है 3 2 6 होता है, ऑफकोर्स एक्चुअली सेम आंसर इस के साथ साइन क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसी तरह अगर वह अगर एक वैल्यू के साथ प्लस है और दूसरे माइनस है तो आंसर 3 3 2 6 होगा। मैंने आपको एक पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जाए तो साथ उसके हमेशा नेगेटिव साइन लगेगा। और इसी तरह +3 है, सॉरी -3 है और +2 है, मतलब बड़ी की तरह माइनस था, छोटे से प्लस था, तो आपने ये इंग्लिश एडिशन वाला रूल यहाँ नहीं अप्लाई करना, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का अलग रूल होगा। मैं 3 2 6 ही आएगा, मगर साइन का क्या आएगा, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव, दोनों में से जब दो अपोजिट साइन आएंगे उसमें हम नेगेटिव को सिलेक्ट कर लेंगे, और दोनों ही नेगेटिव आ जाएंगे तो 2 मनफी हाँ हो जाता है, मतलब यस हो जाता है, 2 नो नो को कह आप करते यस, तो मतलब 2 नेगेटिव साइन आ जाएंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 2 द 6। अब हम डिवीजन की एग्जाम्पल्स लेंगे। अब हम एग्जाम्पल लेने लगे हैं फॉर डिवीजन। ओके, अभी डिवीजन में ना बच्चे जो हम बच्चे हम डिवीजन ये लाइन लगा के 3 प्लस 2 यू कर देते हैं, ठीक है, या ऐसे लगाते हैं जो मतलब जैसे हाँ 6 बाय 4 करते हैं, ये अच्छी एग्जाम्पल हो जाएगी। ठीक है, अब वो ये भी आपके अभी के जैसे आप मैथ 6 7 क्लास में 5th क्लास में होते हैं या आगे भी जाते हैं, मतलब जिनका मैथ कमजोर होता है उनको ये इशू साइन के रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं। तो ऐसे कि +6 था और ये माइनस सॉरी दूसरा भी +4 है, तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब डिवाइड अब सॉरी डिवाइड करेंगे तो वैसे डिवाइड करेंगे, अब पहले इन दोनों डिवीजन करने का तरीका होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए दोनों किस बारे में जा सकते हैं, मतलब दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, 2 2 द 4 और 2 3 द 6। इसी तरह हम ऐसे कर देंगे, कट कर देंगे 2 2 द 4 2 3 द 6, ठीक है, ये सिनेरियो बनता है। ओके,
अब आ जाएगा 3/2। अब साइन क्या आना चाहिए आंसर में, दोनों ही पॉजिटिव साइन है तो प्लस आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह एक प्लस सिक्स था और नीचे -4 आ गया, इसी तरह 3 2 2 4 2 3 6 कर दिया हमने, तो ये 3/2 कर दिया। अब हमारे पास एक ही आंसर आई लगाना होता है हमने आंसर में, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव आसान आएगा तो हमेशा मैंने कहा था जब दो प्लस और माइनस में से दो मतलब एक वैल्यू का प्लस हो दूसरे का माइनस हो तो हम क्या करते हैं नेगेटिव साइन को प्रेफरेंस देते हैं, तो नेगेटिव 3/2 आ जाए। इसी तरह ये प्लस सॉरी -6 और +4 हो तो यहाँ 3/2 आ रहा है, 2 2 4 2 3 6, मगर हमने कहा था जब प्लस और माइनस साइन आ जाए एक प्लस की वैल्यू दूसरे माइनस की तो ऑटोमेटिक प्रेफर करेंगे नेगेटिव साइन। इसी तरह अगर -6 और -4 हो तो क्या होता है, हम वैसे जो हमें टीचर हम कहते थे ना टीचर हम समझाते हैं ऊपर से कट करें तो हम साइंस को भी कट कर देते हैं, मतलब नेगेटिव नेगेटिव साइन से कट हो जाता है, तो नेगेटिव नेगेटिव साइन कट हो जाएगा तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो ये भी आप वैसे याद कर सकते, दूसरी तरीका ये भी है सिंपल बताया हुआ है आपको डिवीजन साइंस के, इस तरह रखने तो जब दो वैल्यू नेगेटिव होंगे तो उसका साइन भी जो आंसर का साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, तो इसमें भी 3/2 इज द आंसर। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, और मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, और प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माय चैनल। हाँ तो इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी और वीडियोस मिलेंगी।